हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी भावी अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए हम प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के मध्य उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश संबंधित UPTET और SuperTET के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिससे पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों को आज हम पुनः जो है प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों, आप लोग के कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में अंत में अवश्य बताइए। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों एक बात हम बता देते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आज का जो है बहुत खास है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया गया है इसमें। तो इसमें जो है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अपने उत्तरों को भी कमेंट में लिखते रहें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है इसमें, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, यही बताना है दोस्तों। तो 121 में यानी 121 का और इस सेशन का पहला प्रश्न है कि जो है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, यही बताना है। तो 121 में सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो चलिए देखते हैं। पश्चिमी घाट को दोस्तों जो है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी क्या कहते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है इस पर्वत पश्चिमी घाट का, तो जान लीजिए 1600 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एग्रोनॉमी किससे संबंधित है। तो दोस्तों बताइए, एग्रोनॉमी जो है किससे संबंधित है। 122 में आपका ऑप्शन नंबर बी फसलीय पौधों से जो है एग्रोनॉमी जो है ये संबंधित है। वैसे ही देख लीजिए, आप लोग को नाम पढ़ने से ही पता चल जाएगा, एग्रीकल्चर मतलब फसल मतलब खेती या बारी से है, तो ये एग्रोनॉमी मतलब जो है फसलीय पौधे से है। चलिए अगला प्रश्न, डेंगू ज्वर का कारक कौन है, यानी डेंगू बुखार जो होता है वो किसके कारण होता है, ये बताना है। तो 123 में ऑप्शन नंबर डी जो है ये विषाणु के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न मिलान करना है और उस मिलान में कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। तो बताइए 124 को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो 124 में ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा दोस्तों। साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन खेलती हैं, ये राइट आंसर होगा, ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्थल की एक महत्वपूर्ण नदी बताना है। तो भारतीय स्थल से जो एक महत्वपूर्ण निकल है वही बताना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मरुस्थल की बात कर रहा है, भारतीय मरुस्थल स्थल नहीं, मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा, लूनी नदी जो है ये मरुस्थलीय नदी इसको कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। अगला प्रश्न कहता है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है, यही बताना है दोस्तों। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। 126 में ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये राइट आंसर होगा, संकट ग्रस्त पौधे व जीवों का जो है बारे में जो बताता है वो कौन सी बुक है, वो रेड डाटा बुक है। ये आप लोग बहुत जो है ध्यान से याद कर लीजिए, ये अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है, ठीक है। तो IUCN जो है कह सकते हैं, IUCN के जो है इसका नाम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो बताइए कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो सभी लोग जानते हैं ताप्ती जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है और उल्टी बहती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। सभी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर जो है अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो महासागर है यही जो है अस्थाई जो है पारिस्थितिकी तंत्र है और सबसे बड़ा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है, वायु भूमि जल या मृदा
के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? तो 129 में ऑप्शन नंबर सी जो है तो दोस्तों ये प्रदूषण सही हो जाएगा, ठीक है, यही परिवर्तन होता है प्रदूषण, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सभी लोग जानते हैं, तो बताइए सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ताप्ती नदी के किनारे जो है सूरत स्थित है, ठीक है दोस्तों। और अभी ये क्वेश्चन पीछे मिला था, ये नदी जो है उल्टी बहती है, उल्टी बहने का तात्पर्य है कि जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खाली स्पेस है, उसके बाद पूछा जा रहा है, यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ ना हानि होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सी सही है? तो इसमें 131 में ऑप्शन नंबर बी जो है सहभोजी, ये सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा है गरसोप्पा जोग, गरसोप्पा ये जलप्रपात है दोस्तों, जिसको जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ये किस नदी पे है यही बताना है। तो सभी लोग जानते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है सरावती नदी पे जोग जलप्रपात जो है ये स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? दोस्तों पिछले प्रश्न में जो प्रैक्टिस सेट आप लोग किए होंगे उसमें बताया गया था, लेकिन उसमें पूछ रहा था कि गेंडा जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये बता, उसमें काजीरंगा ऑप्शन था, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जो है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो उसमें हमने बताया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो बताइए कहाँ पे स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर जो है ये डी असम में है, ठीक है, असम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है दोस्तों। तो गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो गिर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुजरात में स्थित है, तो ये जो है सिंह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, सिंह यानी शेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिंह अभ्यारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कहता है ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में कितनी असामान्य वृद्धि होती है यही बताना है। तो बताइए किनकी जो है असामान्य वृद्धि हो जाती है? तो ल्यूकेमिया या रक्त अलपता होता है, तो 135 में ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी जो है श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं जिसको हम लोग शॉर्टकट में जानते हैं WBC, ठीक है, क्या जानते हैं? WBC दोस्तों, ठीक है। तो WBC जो होती है उसमें जो है उसकी कमी के कारण जो है ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं यही बताना है। तो बताइए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा, केरल में जो है ऐसे वन पाए जाते हैं। देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा संविधान से है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था यही बताना है। तो 137 में ऑप्शन नंबर जो बी है ये 1949 में दोस्तों ये इसका प्रावधान लागू हुआ था, ठीक है। और आपको बता देते हैं हम जो है इसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 जो है भाग दो में हैं, ठीक है, जो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक या प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है? तो बताइए कौन सी अनुसूची है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी जो है हो जाएगा, ये 6th अनुसूची है जिसमें 4 राज्यों को जो है इसमें प्रावधान किया गया, विशेष प्रावधान दिया गया, ठीक है। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बहुत अच्छा,
सातवीं अनुसूची के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो बताइए सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है ये बताना है। तो ये इसमें जो है बी ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो होता है ये सातवीं अनुसूची में दर्शाया गया है, ठीक है, या बताया गया है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो बताइए दोस्तों, समवर्ती सूची का तात्पर्य होता है जो राज्य सूची में और के संघ सूची में दोनों में होता है उसको कहा जाता है समवर्ती सूची, ठीक है। तो बताइए, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो 140 में ऑप्शन नंबर ए जो है आपका व्यापार जो है ये समवर्ती सूची में आता है, ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं किस देश का आलिखित संविधान है या किस देश में आलिखित संविधान है ये बताना है। बिना लिखा हुआ संविधान किस देश में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड ब्रिटेन की राजधानी है, तो वहाँ पे जो है बिना लिखित संविधान है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, दोहरी नागरिकता जो है किसकी विशेषता है ये बताना है। दोहरी नागरिकता नीचे लिखे ऑप्शनों में किसकी विशेषता है, तो 142 में ऑप्शन नंबर बी जो है ये संघीय सरकार की व्यवस्था होती है दोहरी नागरिकता, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कथन विधि का दोष बताइए। तो 143 में ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, जो कि हमारा कहता है छात्र निष्क्रिय हो जाता है, इस में जो है छात्र निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। राहुल, कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अवतरणों अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्यों उपयोगी होता है बताइए, पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, चारों स्क्रीन पर आपके आंसर दिख रहे हैं, तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। 144 का कौन सा सही हो जाएगा बताइए, तो 144 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी ये राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट देखते हैं डी क्या है पूरा, तो डी जो लिखा गया है इसमें कह रहा है कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई एश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। फ्लाई एश पहला है, फ्लाई एश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। अगला है हमारा, फ्लाई एश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न यानी रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। तीसरा है, फ्लाई एश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड से बनी होती है, इसमें कोई विषावत यानी टाविसक जो है तत्व तो नहीं होते हैं, तो इसमें कौन सा सही है। ये कूट में चार ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है पहला और दूसरा वो सही है, बाकी तीसरा जो है ये गलत है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो होता है कहता है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी, चरने वाले पशु, भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा पक्षी है इस नाम को बताना है। तीन नाम दिए गए हैं, चित्रित ब्लाक, साधारण मैना, काली गर्दन वाला सारस, तो इसमें ऑप्शन चारों आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। 40 में दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है दूसरा और तीसरा ये राइट हो जाएगा और पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्न में से किस एक की स्थापना में निहित है ये बताना है, तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखने लगे, तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों सही जो हो जाएगा आपका, एक मिनट दोस्तों,
एक मिनट, ये इसमें कौन सा बताया गया था, 148 में आपका जो है सी, हाँ ठीक। और इसमें जो है कौन सा सही होगा, 47 में कौन सा सही हो जाएगा, 47 में ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है 47 में, जीव मंडल नीचे यानी रिजर्व जो है, जीव मंडल रिजर्व, ये ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य लोकगीत क्या है, ये बताना है। तो 148 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बी रहा है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी, किस शहर में की गई थी, बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए जो है, आगरा में ये की गई थी इसकी स्थापना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम दर्शाना है, क्या होगा ये बताना है। आरोही नहीं, अवरोही ध्यान रखिएगा, ये अवरोही की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चारों ऑप्शन, उसके बाद अवरोही क्रम में लगाते हैं। चलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग पढ़िए ऑप्शन को बताइए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, सबसे पहले वाराणसी हो जाएगा, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, उसके बाद बागपत होगा, फिर संत कबीर नगर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वाराणसी 1535 में, गौतम बुद्ध नगर 1442 में, और बागपत 1321 में, उसके बाद संत कबीर नगर जो है 1155 में। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये किलोमीटर है, ये सन नहीं है। ठीक है, अन्यथा आप लोग सन समझ लें। ठीक है, तो ये घटते क्रम में है, अवरोही में सबसे पहले बड़ा होता है, उसके बाद छोटा। तो दोस्तों आप बताइए आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपने उत्तरों को भी बताएं कि कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। और दोस्तों जो मित्र हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्न पत्रों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।